मैं महोत्सव देखने आया था और मेरे साथ और भी लोग आए हैं, ये बच्चा भी पवन सिंह को देखने आया है। क्यों बेटा? गाना के फैन। तो ये फैन है क्या? हाँ, पवन सिंह का राजा जी के दिलवा। तो इसी बात पे एक गाना सुना दो यार। गाना सुना दो तो? सुना बेटा। राजा जी के दिलवा टूट जाए, राजा के दिलवा टूट जाए, और हमारे सैया जी के दिलवा, सैया जी के दिलवा टूट जाए। ओ भाई क्या गाता है यार तू। तो फराक वाली गाता। एक और गाओ पीएस फराक वाली का गाना। फराक वाली सामने देख कर। हाँ गाओ, तुम्हारा वीडियो वायरल जाएगा। गाओ गाओ गाते। अच्छा वही सुना दो। अभी ये छोटा बच्चा है, यहाँ पे देवरिया महोत्सव में महोत्सव देखने आया था, क्योंकि ये आज 12 तारीख है, पवन खेसारी लाल यादव आने वाले थे, इसलिए आया हो ना बेटा। तो हेलो देवरिया, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है 12 तारीख, 12 फरवरी 2024, और जैसा कि बता दूँ आज आने वाले हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो आपको दिखाता हूँ देवरिया महोत्सव। भैया भुजवा कैसे मिला था? 10 का 20 का। 10 का 20 का मिलता है? कब से लगा रहे हैं? लगा रहे हैं 5 दिन से। 5 दिन से लगा रहे हैं? पवन खेसारी लाल आएंगे? कोई नहीं आया। हल्ला तो हुआ था कि पवन खेसारी आएंगे आज 12 तारीख के डेट में। आज 12 है, 12 है, इसे सबको जनता को छुट्टियाँ बना रहे हैं सब। अच्छा, क्या क्या संभावना हो सकता है कि वो नहीं आए, कुछ बताएंगे? हमको तो पता नहीं है कि। चलिए वो सब छोड़िए, वो तो पंडाल उजड़ गया तो नहीं आए। कितना का बिक्री हुआ, लाभ हुआ है ना यहाँ पे आने पर? आपको मतलब ये नहीं हुआ है कि हमको लाभ नहीं हुआ है यहाँ पे आए? नहीं, थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ है। लाभ हुआ है? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। राजा कुमार यही देवरिया के रहने वाले हैं? नहीं, गाजीपुर जिले का। गाजीपुर से यहाँ पे आए हैं बेचने के लिए? बताइए, केवल 2 सेलिब्रिटी आए थे, अक्षरा सिंह और कैलाश खेर, देखे थे उनको? नहीं, हम कैलाश सिंह को देखे हैं। कैलाश खेर को देखे हैं, अक्षरा को नहीं देख पाए? नहीं, अक्षरा को नहीं देखे। उस दिन नहीं लगाया था क्या ठेला आपने? नहीं, उस दिन नहीं, हमको पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और कहना चाहेंगे? और कुछ कहना नहीं चाहेंगे, अब ये कहना चाहेंगे कि मेला नहीं लगा पर जैसा, पर इतना बढ़िया मेला लगा था, ये सब गायकार लोग नहीं आए, हमको इसका बहुत दुख है। बहुत दुख है। हाँ, हम लोग का धंधा भी नहीं हुआ, चौपट हो गया। चौपट हो गया। देखिए यहाँ पे ये लगा रहे हैं, थोड़ा यार कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए कैमरा पकड़ने वाला। ये देखिए, चले ना तो। अच्छा, आप कब घर जाएंगे? कल जाएंगे। हाँ, कल जाएंगे घर। कल जाएंगे? हाँ। आज कहाँ रुके हैं? रुकने का कहाँ व्यवस्था है आपका? रूम लिए हैं ना। रूम लिए हैं? हाँ। कहाँ पे? यही हनुमान मंदिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना रूम पड़ा है? 1500। 1500। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चारों दिन का? चारों दिन मेला खत्म हो गया तो क्या करें, अब जाना ही। अरे महीना भर का दिए होंगे ना? महीना भर के दिए हैं तो अब क्या करें, हम भी सोचे कि कुछ कमाई धमाई हो जाएगा, नहीं हुआ तो अब चले जाएंगे गाँव पर। लगवा जितना कमाए 1500 तो चला जाएगा? चला जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत बचा है उसी में खाद ये चल जाएगा। स्टैंड कितने का रहे? बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। पीछे पंडाल, और अब मैं भी चल रहा हूँ घर। 20 किलोमीटर लगभग दूर से आया था पवन खेसारी को देखने के, मुझे कंफर्म पता नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद कंफर्म मुझे पता चल गया कि पवन खेसारी लाल यादव नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप भी मत आना, घर पे बने रहना। क्यों भाई? हाँ, आज पवन खेसारी लाल क्यों नहीं आए भाई? क्योंकि उनका कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो बहुत कुर्सी टूटा था, 1000+ कुर्सी टूट गया। ये भी कारण हो सकता है कि नहीं आए। और इस बार ज्यादातर प्रचार नहीं हुआ। ज्यादातर प्रचार नहीं, नहीं। हल्ला तो लोग कर रहे थे कि पवन खेसारी आने वाले हैं, आने वाले हैं, ये हल्ला हुआ था। हल्ला हुआ, लेकिन उनको क्यों नहीं आया गया ये आप बताइए। अब हम क्या बताएं, हम भी सुने थे कि पवन खेसारी आने वाले हैं, यहाँ पे आने के पता चला कि साला पंडाल टूट गया यार, खत्म हो गया। ले लोग ये भी, ये घर लेके जा रहे हैं भाई, उनका टाइम पूरा हो गया, पैसा जितना मिला था उस हिसाब से उनका पूरा हो गया। आज 12 तारीख लास्ट डेट था, वो भी क्लोज हो गया पंडाल यार, यहाँ पे महोत्सव यार। मेरे को रोना आ रहा है भाई, क्या कहोगे इस पे? जाने दीजिए, रोइए मत। बताओ यार, यहाँ पे गरीब आदमी है यार, 20 किलोमीटर तेल जरा के आया यहाँ पे मोटरसाइकिल से, साथ समय गया और तेल वो जर गया, आने के बाद लाभ नहीं हुआ। हाँ, कि एक वीडियो बन गया और ये वायरल हो जाएगा। तो तुम मेरे पास आना, तुम्हारा चैनल बनवाएंगे, तुमको वायरल करेंगे। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? हरीश चंद्र गौतम।
कब से ये लगाए हैं शो आप? 4 तारीख से। 4 तारीख से आई थिंक ये महोत्सव भी लगाया है ना? जी जी। तो कितना क्या प्राइस रहने वाला है इसका? ये बड़ा वाला बताइए। इसे बड़ा हाथी है, ये लगभग 12 इंच का है। 12 इंच का है, हाँ। क्या प्राइस रहने वाला है? डबल जो है 500 रुपये का है, 2 पीस जो 500 में देते हैं। ये एक ही सिंगल पीस है ना? नहीं नहीं, ये दोनों, ये नीचे वाला नीचे नहीं, ये 600 का है एक पीस। अच्छा, ये अलग है? ये अलग है जी जी। और उन सब का रेट थोड़ा बता दीजिए। पीछे जो छोटा वाला है वो वाला बता दीजिए। अच्छा अच्छा, तो ये अपना शॉप 4 तारीख से यहीं पे लगाए हैं? जी जी जी। रुकने का आपका व्यवस्था कहाँ है? यहीं सो जाते हैं हम लोग, यहीं पर सो जाते हैं। कहाँ जाए, पूरा बिस्तर उस तला है, ओस गिरता होगा तो क्या किया जाए, वो स्टार उस्टार में सो जाते हैं कहीं। वैसे आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। और ये अपना हाथ से ही बनाते हैं? हाथ से बनता है, पूरा टोटल हाथ से ही बनाते हैं जी, हाथ से। तो अभी यहाँ पे शॉप लगाए हैं अपना, तो बिका है कि नहीं? नहीं, कुछ चल रहा है। चल रहा है, बिका है, प्रॉफिट हुआ है ना? कोई खास नहीं है जैसा चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ बिका जरूर है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि महोत्सव कब तक चलेगा? ये पता नहीं है, सुने आज ख़त्म होने वाला है। आज ख़त्म होने वाला है? हाँ। पवन खेसारी आने वाले, तो उस पर क्या कहेंगे? आए तो कोई नहीं, कोई पवन खेसारी आए न, कोई नहीं आए, नहीं कोई नहीं आया, कोई लोकल लोग आए थे। 12 तारीख को बता रहे थे लोग कि पवन खेसारी आने वाले थे, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है, आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा, वो तो सब टूट रहा है, उजड़ रहा है, उजड़ रहा है। अच्छा चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बताते हैं पवन खेसारी आने वाला है कि नहीं। ये गाइस, ये देख लो गाइस, देख लो भाई, 12 तारीख की बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ डेट, 12 फरवरी 2024 का आज समापन होने वाला था। देख लो, हर एक पार्ट को यहाँ पे निकाला गया है बाहर, और यहाँ पे आधा से अधिक जो है पंडाल जो है वो उसको निकाल दिया गया है। और वही स्थान है जिसमें अक्षरा सिंह और जो है कैलाश खेर आए थे। ये देख लो भाई, इधर देखो भाई, यहाँ पे भाई काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा भाई को। भाई 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 भाई, रुका मर्द है, जा तलत कहाँ है? ए, मैं आज बंद होके वाला रहा, कहाँ भाईल भाई, आज बंद होके वाला रहा, कहाँ भाईल, आज चले वाला रहा ना महोत्सव हुआ, कहाँ भाईल? हमें नहीं पता। नहीं पता है? हम अभी दोपहर में आए हैं सामान ले जाने के लिए। हाँ, उन ये देखो जो ब्लैक जैकेट पहने, हाफ पहने। अच्छा, कार्यकर्ता है क्या? नहीं, वो तो मालिक है। अच्छा अच्छा, चलो भाई आगे चलते हैं। ये देखो भाई, आगे चल दो, पूरा टेंट खत्म हो गया भाई, उजाड़ दिया यहाँ पे। आगे चलो, आपको पूरा टेंट दिखाता हूँ। भैया यहाँ पे आज महोत्सव होने वाला था, क्या हुआ, उजड़ क्यों रहा है? हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग बाहरी आदमी हैं। अच्छा, हम लोग खुद ही मेला देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, चलो भाई आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकते यार, अपने आप को बाहर से बोल रहे हैं, जबकि ये टेंट का मालिक है वो लड़का बता रहा था। आगे चलो, यहाँ पर दिखाता हूँ, यही पंडाल है जिसमें बड़े जो सेलिब्रिटी हैं कैलाश खेर और एक अक्षरा सिंह, ये दोनों आई थी देवरिया में, धमाल मचा चुकी। इसके बाद जो है वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आने वाले थे, वो नहीं आए थे। वीडियो में उन्होंने बोला था कि मैं 8 तारीख आऊँगा, तो 8 तारीख को नहीं आए, तो बोल रहे थे 10 को आऊँगा, तो 10 को भी खेसारी लाल यादव नहीं आए। बोल रहे थे 12 को आऊँगा, तो 12 को भी नहीं आए। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप समझ सकते हो? यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर आई थिंक मेरे अनुसार शायद पैसे का हो, या फिर उनको समय न मिल पाया हो, इस वजह से न आया हो, यही कारण हो सकता है। अभी सोच के बताओ, कमेंट करके बताओ, यही 2 कारण हो सकते हैं जो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह तो अनाउंस ही नहीं किए थे, लेकिन हल्ला हुआ था कि हाँ भाई पवन सिंह आने वाले हैं, बट खेसारी लाल अपडेट दिए थे और खेसारी लाल नहीं आए। 12 को भी नहीं आए, आज 12 तारीख है भाई। आप भी महोत्सव में 12 तारीख को मत आना, मत आना, मत आना, क्योंकि पंडाल उजड़ चुका है, महोत्सव खत्म हो चुका है। और इसी के साथ वीडियो को समापन करता हूँ। आई होप गाइस कि वीडियो पसंद है, तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए। मिलते इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।